सरकार की इस दिशा के अंदर एक जो है सरकार ने चाहा कि किसानों के जो उत्तम गुणवत्ता वाले पशु हैं उनका व्यापार के माध्यम से वो बाहर जा रही है, तो किसानों ने एक प्रोत्साहन राशि जो शुरू की, जिस स्कीम के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में धन उपलब्ध कराया जाता था, उससे कई किसान भाइयों को, अगर आप देखो कि हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसमें पुकलाण गांव है, जिसमें सिंगवा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे अनगिनत गांव हैं जिनका मैं नाम यहां लू तो बहुत लंबा हो जाएगा। उन गांवों ने पशु की कीमत से ज्यादा प्रोत्साहन राशि के रूप में धन प्राप्त किया है और उसका परिणाम ये है कि उनसे सीख लेकर दूसरे किसान भाई प्रोत्साहित होकर अच्छी नस्ल के पशु पालना शुरू किया है। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर दूध उत्पादन की बात करें तो हमारे प्रदेश के अंदर जो दूध उत्पादन है वो भैंस में जो दूध की यील्ड है 9.11 किलोग्राम है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये औसत देखें तो ये 5.62 है। इसी तरह से गायें जो हरियाणा की गायें हैं वो 8.92 है, जबकि राष्ट्र की जो है भारत की ये 7.95 है। देसी नस्ल की गायें भी हमारी हरियाणा नस्ल की गायें बहुत अच्छी है, लेकिन इन सब में अगर पशुधन में देखा जाए तो भैंस का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर दूध की गुणवत्ता, दूध के जो कंटेंट है वो दूसरे पशुओं के कंटेंट के से ज्यादा है। और A1 A2 के कंसेप्ट में भी हमारी पूरी की पूरी जो भैंस का दूध है वो A2 का दूध है। इस तरह से एक और अवसर है, स्पेंट एनिमल्स अगर हमारे हो जाए, निकम्मा एनिमल अगर कोई निकल जाता है तो उसको निकालने में कलिंग में भी कम से कम भैंस के अंदर ये समस्या नहीं है, क्योंकि बफलो मीट का एक्सपोर्ट आप देखोगे पिछले दिनों 2005-06 में ये 2629 करोड़ का निर्यात हमारा मीट होता था, जो 2018-19 में बढ़ के 25,168 लगभग 10 गुना ये बढ़ा है। लेकिन इसके साथ साथ भैंस उत्पादन में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। आप देख रहे हो हमारे उपनिदेशक महोदय ने भी बहुत सारी जो चुनौतियां हैं वो गिनवाई और उनमें बहुत महत्वपूर्ण चुनौती जो आज के दिन हमें लगता है कि भैंस उन्नत नस्ल की भैंस पालने के लिए जो हमें चुनौती का सामना करना पड़ेगा वो जलवायु परिवर्तन की जो चुनौती है वो हमारे सामने है। इसलिए हमें क्लाइमेट स्मार्ट बफलो हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसके सहारे ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी तकनीक हमारी संस्थान ने इजाद की है जिनसे भैंस के अंदर जो गर्मी का दबाव है उसको कम किया जा सके। किसान भाई हमारी संस्थान में आकर के उन तकनीकों का ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं और वो जाके अपने गांव में, अपने खेत में, अपने पशुशाला में, सभी जो किसान अपने दूसरे साथी भाई हैं उनसे भी साझा करके हमारी जो भैंस है उसके ऊपर जो क्लाइमेट का प्रभाव आने वाला है उससे हम बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो देखने का है, पिछले दिनों के अंदर जो पशुपालन है, एक समय था जब पशुपालन में किसानों का जो है रुझान कम हुआ, विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी पशुपालन में कम थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, जहां रोजगार की संभावनाएं दूसरे क्षेत्रों में कम हुई है, उसके साथ साथ युवा किसान भाई जब हम ट्रेनिंग में देखते हैं तो बहुत सारे युवा हमारे साथी पशुपालन, भैंस विशेष रूप से भैंस पालन की ट्रेनिंग के लिए हमारे संस्थान में आते हैं और उनका यही प्रश्न होता है कि हम किस तरह से पशुपालन को एक लाभकारी व्यवसाय या भैंस पालन को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपनाकर रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारी संस्थान इस दिशा में उनको हर उस पहलू पर बातचीत कर समझाती है कि आप किसी तरीके से भैंस पालन करोगे तो निश्चित रूप से स्वरोजगार के साथ साथ आप अन्य साथियों को भी रोजगार मुहैया कराने में सक्षम होंगे। अगर हम बात करें पशुपालन में पोषण की तो बहुत सारी आज के दिन देखोगे कि जैसा कि हमारे निदेशक महोदय ने भी बताया कि पशुपालन में
जाता है, अगर हम पशु पोषण में जो हमारे स्थानीय चारे हैं उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा देंगे और अपने ही घर पर पशु का चारा, पशु का भोजन, पशु का दाना तैयार करके अगर पशुओं को खिलाएंगे तो जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारे लाभ है, वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। भैंसों के अंदर बहुत ज्यादा बीमारियों की संभावना नहीं होती। अगर हम कुकुर और गलघोंटू का टीका समय से लगवा लें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। नियमित रूप से अगर लवण मिश्रण या खनिज मिश्रण का उपयोग करते रहे तो बहुत सारी प्रजनन संबंधित बीमारियों से भी हमें निजात मिल जाता है, जिसके लिए हमारी संस्थान समय समय पर ट्राइबल सब प्लान के तहत, SC SP के तहत गाँव में जाकर किसानों को मिनरल मिक्सचर, लवण मिश्रण और बहुत सारी जो सुविधाएं किसानों को मुहैया कराती है, उसका किसान भाई ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। जहां अर्ली जो मैच्योरिटी की बात है, लेट प्यूबर्टी की बात है, उसके लिए भी हमारी संस्थान ने इस दिशा में शोध कर बहुत सारे प्रौद्योगिकी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचाई है, किसान भाई उसका लाभ उठाएं। हमारी संस्थान में नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर किसानों के लिए सस्ते दामों पे सीमन उपलब्ध है। हमारे फील्ड प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम के अंदर किसान भाई मुफ्त में इसका लाभ उठा रहे हैं और हमने देखा है कि जो 10 गांव हमारी संस्थान में अपनाए हुए हैं उनमें नस्ल सुधार का कार्यक्रम जो चला है उसे किसान भाइयों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। और आने वाले समय में अगर हम देखें तो किसान भाई भैंस पालन से निश्चित रूप से अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं। उन्नत नस्ल के वीर्य हमारी संस्थान या कोई भी प्रमाणित संस्थान है उससे वीर्य लेकर अपने पशुओं का गर्भाधान करवाएं। आजकल बहुत सारे ऐसे फेक सीमन की हमारे पास शिकायतें आती हैं, तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप उनसे बचें और प्रमाणित संस्थाएं जैसे केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हरियाणा लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड और अन्य बहुत सारी प्रमाणित संस्थाएं जहां सीमन उपलब्ध है भैंस का, वहां से सीमन लेके अपने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करें और नस्ल सुधार करें। और हमारा जैसे कि हमारे उपनिदेशक महोदय ने बताया कि हमारा लक्ष्य 3000